बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं गुजरांवाला में आया हुआ हूँ, तो अभी गुजरांवाला से वापसी हो रही है। तो रास्ते में रा वाली कैंट के मकाम पर फजल सेंटर मौजूद है। मैंने सोचा ख़ुद भी देखूं और अपने नाज़रीन को भी दिखाता चलूं। तो मैं इस वक्त फजल सेंटर की मेन एंट्रेंस से दाखिल हो रहा हूं और आप हैं मेरे साथ। तो आए चलते हैं, चलकर फजल सेंटर की सैर करते हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त आप फजल सेंटर के बिल्कुल सामने फ़न दुनिया, जो बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया गया है, और इसमें तमाम एग्ज़ाम के झूले और बच्चों के इंजॉय करने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी जो है इमारत आप देख रहे हैं, सामने आपको नज़र आ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। आप जब कभी भी गुजरांवाला या रावाली कैंट की तरफ तशरीफ़ लाएं, तो एक बार फ़न दुनिया के खूबसूरत मंज़र अपनी आंखों से बराह रास्त देखें। तो नाज़रीन, ये फजल सेंटर की जो बिल्डिंग है, ये भी आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, गुजरांवाला से वापसी पर कुछ सफ़र की थकावट हो गई, तो मैंने कहा कुछ देर के लिए किसी अच्छी और मुनासिब जगह पर रुका जाए और स्टे किया जाए। तो मैंने सोचा चलें फजल सेंटर चलते हैं और चलकर ख़ुद भी देखता हूं और अपने नाज़रीन से भी शेयर करता हूं। तो ये आप फजल सेंटर देख रहे हैं, यहां मैं आपको बताता चलूं, क्लोथिंग ब्रांड की तमाम आउटलेट्स यहां पर मौजूद हैं, जिनमें आप देख सकते हैं और आपको नज़र भी आ रहा होगा, मारिया बी, वर्दा, मिनी माइनर्स और इताद, निशात, बहुत सी जो ब्रांडेड आउटलेट हैं वो बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ पर बनाई गई हैं। और इस खूबसूरत जो सेंटर है, इसमें तमाम ये वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और बच्चों की भी तमाम वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, मेरे पास वक्त की कमी है, यहाँ पर ये देखें आप इत्तेहाद की जो आज ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, लेकिन मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, मैंने वापस टेक्सला पहुंचना है, तो मैं इस सेरेमनी से एंजॉय नहीं कर सकता और वापस अपने टेक्सला के लिए अभी मैं यहां से निकलने लगा हूं। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करते हैं, और उन हजरात का तो मैं दिल से मशहूर ममनून हूँ जो कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करते हैं, रहनमाई करते हैं, और कोई कमी कोताही हो तो उसकी निशानदेही करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप इसी तरह मेरे साथ जो है ये तआवुन और खलूस जो है वो जारी रखेंगे। और इस वक्त मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अपने वापसी की तरफ रवा दवा हूँ। अब ये आप देखें, ये जो फ़न दुनिया है उसको इतनी बड़ी जगह पर बनाया गया है और किस खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं कि मैं अब फजल सेंटर से बाहर जीटी रोड की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से मैं सीधा अपने घर टेक्सला के लिए निकलूँगा। और ये नाज़रीन, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे लिए दुआ किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका अमीन नासर हो। खुदा हाफिज़।